हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। तो चलिए हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री पर आप लोगों का स्वागत किया करते हैं। और आप सब लोग अभी देखिए, जो ये ट्वेल्थ की केमिस्ट्री एल्कोहल फिनॉल ईथर का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हम आज आपको ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी बताने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर तक हम क्या कर चुके हैं, एल्कोहल पढ़ चुके हैं, फिनॉल पढ़ चुके हैं, ईथर्स की हम आपकी प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल मेथड भी हम बता चुके हैं। आज हम ईथर की रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब आप लोग एक बढ़िया सा खूबसूरत हेडिंग लगाइए, ईथर का रासायनिक गुण, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो सबसे पहली चीज एकदम सीधा सीधा आपको बताते हैं कि ईथर की जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो निम्न हैं। इसकी जो मेन केमिकल प्रॉपर्टी है वो निम्न है। तो इसकी हम पहले कुछ अभिक्रिया डाइएथिल ईथर वाली बताएंगे, जिसमें हमको आपको बताना कौन सी रिएक्शन है, जानते हो? जिस रिएक्शन में आपको क्या करना है कि एल्किल ईथर के बारे में पढ़ना है। और कुछ हम आपको लास्ट में जो बेंजीन रिंग से संबंधित ईथर होते हैं उनके बारे में केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा ईथर वाला चैप्टर होगा, आप जान लीजिएगा यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो इसकी जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, ब्रोमाइड से क्रिया। किससे क्रिया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया। चलिए लगाइए एक बढ़िया सा हेडिंग, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो आपको एकदम हम सीधा सीधा बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि डाई एथिल ईथर जो मोस्ट फेबुलस या पॉपुलर ईथर है वो डाई एथिल ईथर ही है। तो डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसी को हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते थे, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर करते हैं तो आपको मिलता क्या है, एथिल एल्कोहल मिलता है और एथिल ब्रोमाइड मिलता है। मतलब कि जो एथिल एल्कोहल में होता है, एथिल आपका डाई एथिल ईथर होता है, उसमें एक एथिल एल्कोहल में बदल जाता है एल्किल ग्रुप एथिल वाला, और एक एल्किल ग्रुप जो होता है वो आपका एथिल ब्रोमाइड में बदल जाता है। तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, इस लैंग्वेज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, डाई एथिल ईथर, बहुत अच्छा है, की अभिक्रिया, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करने पर क्या मिलेगा, बोलो, एथिल ब्रोमाइड। एक क्या मिलेगा आपको, एथिल ब्रोमाइड एवं एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, एथिल ब्रोमाइड एवं एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब रिएक्शन लिखेंगे तो डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, C2H5, ये O और ये C2H5, यही है आपका, इसी का नाम क्या है, डाई एथिल ईथर और प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर जब इसकी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराओगे तो HBr, यहां पे आप HCl भी ले सकते हो HI के साथ, और अभी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डाई एथिल ईथर की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया। तो आप बताइए क्या होगा, C2H5O और इसमें से H बाहर क्या हो जाएगा आपका, बताइए, C2H5OH, एक ये बन गया, और अगला आपका C2H5OH हो गया यहां से, अब बचा क्या, C2H5 और ये Br, तो आपको मिल क्या गया, C2H5Br। अब आप खुद देख लीजिए, ये डाई एथिल ईथर है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और ये आपका क्या है, एथिल एल्कोहल,
क्या है आपका ये एथिल एल्कोहल और ये क्या है आपका एथिल ब्रोमाइड, क्या है आपका ये एथिल ब्रोमाइड। एकदम कंटॉस रिएक्शन है, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, जान लीजिएगा। तो अब यहां से आपका कुछ क्या हुआ करता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डाई, अभी देखिए बॉन्ड टूट जा रहा है, ओके, इस तरफ की अलग बॉन्ड हो जा रहा है, इस तरफ की अलग, ये विघटन हो रहा है सीओ बॉन्ड का। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए इसकी है, जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो दूसरी हम बता रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, किसके बता साथ बता रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। ये एकदम कंटास रिएक्शन है और एकदम विधिवत तरीके से समझ में आना चाहिए, जान लीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो डाई एथिल ईथर होता है इसकी अगर अभिक्रिया हम ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड से और एक होता है गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड से, दो कंडीशन होती है। अगर हम ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं तो आपको एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल मिलेगा, लेकिन अगर गर्म आयोडाइड है, हॉट आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो वहां पे आपको दोनों मॉलिक्यूल एथिल आयोडाइड के मिल जाते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपका इसमें दो रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, दो रिएक्शन है। नंबर एक है ए रिएक्शन, ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, पहला ये रिएक्शन है, एक ठंडा रहेगा और एक क्या रहता है गर्म। तो अब देखिए मैंने आपको बताया क्या, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया समझने का प्रयास करें ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करने पर, ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करने पर एथिल आयोडाइड, याद रखियो एथिल आयोडाइड एवं एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, ये जान लीजिएगा। अब यहां पे एकदम सीधी सीधी से जांच लीजिए, डाई एथिल ईथर का फार्मूला C2H5O C2H5, यही है। अब आप नाम लिख सकते हैं, और मैंने बताया हाइड्रोजन आयोडाइड कैसा है, अभी कोल्ड है कंडीशन, तो बड़ा सीधा सा है C2H5 और यहां O और इसमें का H, जैसे ऊपर एकदम एज वेल एज C2H5OH एथिल एल्कोहल हो गया, और अगला आपका जहां बीआर था वैसे हो जाएगा C2H5I। एक रिएक्शन ये होगा। अब आपसे कोई कहे डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल बनाइए, डाई एथिल ईथर से एथिल ब्रोमाइड बनाइए, तो ये सारे रिएक्शन आपके सामने है। तो अगर ठंडे कंडीशन में एचआई रहता है तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है, एथिल एल्कोहल और आपका एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। लेकिन अगर यही कंडीशन जो होती है वो हॉट कंडीशन होती है, तो ये यहां तक तो हम इरेज कर ही सकते हैं। अब आप देख लीजिए यहां पे, तो विधिवत तरीके से आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा, और मैं जितनी चीज को बता रहा हूं उतना चीज आप पढ़े फॉलो करिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबको बता रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। हम अगर आपके लिए ये कर रहे हैं तो आप लोग जो हम बता रहे हैं आपको उस चीज को आप फॉलो करेंगे, तब आप लोग एकदम बेस्ट रहेंगे और हमारा भी इंटरेस्ट एकदम अच्छा रहेगा। ये आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए आप सभी लोग कि अगर आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जा रही है तो आप लोगों को जो सजेशन दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, उसका पालन करना भी आपका कर्तव्य है, ये भी दिमाग में रख लीजिए सब लोग। तो मैंने बताया क्या है, हमें ठंडे चाय के साथ आप इसी में बी होगा एक गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो मैंने बताया क्या कि अगर गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करोगे तो
तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? एथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा और जल प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया किसके साथ? गर्म एच आई के साथ करने पर, याद रखियो यहां पे ठंडा था और यहां पे कैसा है? गर्म। एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है, ये जान लीजिए, एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। चलिए रिएक्शन लिखिए, C2H5 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। चलिए देखिए, तो यहां हो जाएगा C2H5I, दोनों मॉलिक्यूल आपको एथिल आयोडाइड के ही प्राप्त होंगे, जान लीजिएगा दोनों मॉलिक्यूल C2H5 यहां दो हो गया, अब दो आयोडीन हो गया, तो यहां पे आप टू कीजिए और ये दो हाइड्रोजन और इसमें से एक ऑक्सीजन, आपका बाहर क्या हो गया? जल। और यही जो है आपको जो मिला, यही क्या है आपका? एथिल आयोडाइड। तो ये दोनों इसके रिएक्शन है। अब आप दोनों रिएक्शन को देख लीजिए कि ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है और एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है, और अगर हम इसी डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड का अधिक कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा मात्रा में होता है, तो आपको क्या मिलता है? एथिल आयोडाइड, और क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन पूछा गया है, दो तीन रिएक्शन इसमें भी जो बताएंगे शुरू में जान लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर आपको आगे समझना ही रहेगा। तो ये बात ध्यान दीजिए, और सब लोगों को जो मैं बता रहा हूँ एक चीज़, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो अभी तक आप लोगों को क्लास की जो लेक्चर अपलोड किया करते थे वो आपको टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गई है, अब आपको मॉर्निंग टाइम में एकदम लगभग 6 से 7 के बीच में, मॉर्निंग टाइम 6 से 7 बजे के ही बीच में आपको जो लेक्चर्स होंगे वो आपको अपलोड कर मिल जाएंगे जान लीजिए। तो इसीलिए आप पूरा दिन अब आप विधिवत तरीके से क्लास को आप देख सकते हैं, ये आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन है, सभी क्लासें जान लीजिए। और एक चीज़ बताता हूँ बार बार कि आप लोग अगर हमें एनर्जी प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट किया करो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिससे हमको ये होता है कि हमारे बच्चे हमारे साथ उत्सुकता से लगे हुए हैं और हम भी मोटिवेटेड हुआ करते हैं, जैसे आप पढ़ करके मोटिवेट हुआ किया करते हो। तो इस बात को सब लोग ध्यान दीजिए और प्रयास ये कीजिए कि अगर हम इतना सब कुछ आप लोग भी कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने जो मित्र हो या अपने जो मोबाइल्स में आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हो या कोई भी हो, जहां भी हो, उन सब के बीच में इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, या नहीं तो आप फिर क्या कीजिए, उनके बीच में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी कहने का मतलब बेनिफिशियल मिलता रहे और अच्छी तरीके से आपकी क्लास चलती रहे। फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें, ये आपके लिए जान लीजिए है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और जो सबसे है वो आप इसकी नोट्स बनाए पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। टाइमिंग का थोड़ा ध्यान दिया करें सब लोग, मैंने टाइम बता दिया कि क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, इस तरीके से आप ध्यान दीजिए। तो अगला जो रिएक्शन बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो यहां पे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो डाई एथिल ईथर हुआ करता है, इसकी क्लोरीन की दो अभिक्रिया है, एक हुआ करती है डार्क में और एक हुआ करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां पे तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है, ये जान लीजिए एक तरीके से, वो आपकी क्या है? क्लोरीन से क्रिया। चलिए, रिएक्शन
विथ क्लोरीन। चलिए एक चीज मैं आपको एकदम सीधा बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, अगर हम डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया अंधेरे में क्लोरीन के साथ करते हैं तो जो आपके ऑक्सीजन परमाणु के जस्ट बगल कार्बन होता है, मतलब जो एल्किल ग्रुप वाला कार्बन होता है, उसमें से एक बार हाइड्रोजन हटता है तो अल्फा मोनोक्लोरो, क्या अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और फिर ये रिएक्शन क्या होता है आगे चल करके, फिर ये क्लोरीन से क्रिया करता है अल्फा मोनो क्लोरो डाई एथिल ईथर, तो बन जाता है अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो, क्या बताया, डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ये पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें जो होगा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, जैसे आप मेथेन में करते थे कि मेथेन में क्लोरीन के द्वारा क्या हुआ करता है, इसका आपका हाइड्रोजन हट जाता था, वैसे इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप समझने का प्रयास, अंधेरे में रहेगा तो केवल दो ये हाइड्रोजन हटेगा, एक बार पहला एक बार दूसरा, लेकिन जब आपका वो सूर्य के प्रकाश या यूवी लाइट के प्रेजेंस में करोगे ना तो पूरा का पूरा एल्किल ग्रुप का हाइड्रोजन हटा देगा, ये बात आप दिमाग में समझ लीजिए। तो इस रिएक्शन को हम दो स्टेप्स में लिख रहे हैं, सबसे पहला चीज नंबर एक, इसमें जो पार्ट आने वाला है वो है इन डार्क, अंधेरे में, नहीं करेंगे ऑप्शंस ऑफ लाइट, चलिए। तो मैंने आपको बताया क्या कि डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया अगर हम अंधेरे में क्लोरीन के साथ करते हैं, चलिए देखिए डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थित या अंधेरे में, अंधेरे में या प्रकाश की अनुपस्थिति में करने पर क्रमशः रिस्पेक्टिवली, तुम चार बहुत अच्छी हो, क्रमशः अल्फा मोनो, अल्फा बताया हूं मैं, मोनो क्लोरो डाई एथिल ईथर एवं, अब ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो अल्फा मोनो क्लोरो डाई एथिल ईथर और उसके बाद अल्फा, फिर अल्फा डैश, क्या बन जाएगा अल्फा डैश डाई क्लोरो, बड़ा अच्छा रिएक्शन है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, ये जान लीजिए। अब चलिए ध्यान दीजिए रिएक्शन को थोड़ा, ये थीले डाई एथिल ईथर को इस तरीके से लिखेंगे CH3CH2, जो पूरा एक साथ लिख देते थे C2H5 करके, उसको अलग करके लिखेंगे, फिर O यहां पे CH2 और फिर CH3। चलिए अब थोड़ा इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाएगा, और नहीं तो आप समझ लीजिए पहली बार। अब यहां से इसकी अभिक्रिया जब हम क्लोरीन से करेंगे, अब यहां पे क्या है डार्क, इन डार्क कंडीशन यही है। तो आपको हमने बताया क्या राजू, कि अगर इन डार्क कंडीशन में ये क्या है डाई एथिल ईथर, ये तो आपको पहली बार यहां से अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर बनेगा, तो एक हाइड्रोजन यहां से हटा दीजिए और एक हाइड्रोजन हटा करके यहीं क्लोरीन लगा दीजिए बस, और कुछ मत कीजिए, और दूसरी बार इधर का एक हाइड्रोजन हटाइएगा और वहां एक क्लोरीन लगा दीजिएगा, तो मिल जाएगा। माने मैं आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है और ये फंक्शनल ग्रुप के इधर कार्बन है, तो ये तो अल्फा डैश है, पता ये समझ में आ गई होगी आपको।
तो आप बताइए क्या है CH3, यहां तो कोई चेंजेस नहीं होगा, अब यहां पे CH2 था, ये क्या छट गया, तो क्या बचा CH, और यहां पे अब क्या हो गया आपका बताइए CH, यही देख लीजिए, और फिर O, और फिर यहां पे CH2 और यहां पे CH3 और प्लस बाहर हो गया CH3। अब इसी का नाम क्या है अल्फा, तो अब इसी का जब नाम लिखोगे देखो लिखा गया अल्फा मोनोक्लोरोडाई इथिल इथर, अल्फा भी एक क्लोरीन है ना, तो इसलिए अल्फा मोनो क्लोरो डाई एथिल इथर। अब ये तो पहला स्टेप था, अब सेकेंड स्टेप में देखिए, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि आपकी बार ये फिर अभिक्रिया करेगा क्लोरीन के साथ, क्या है आपके पास CH3 CH2, यहां पे क्या है Cl, फिर यहां O, यहां पे CH2 और फिर यहां क्या है आपका CH3 और प्लस फिर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया, और ये भी क्या है इन डार्क डार्क कंडीशन में। अब क्या होगा, ये तो आपको मालूम है इसका नाम, आपकी बार का यहां एक हाइड्रोजन हटेगा, और जब यहां का एक हाइड्रोजन हटेगा तो अब बताइए यहां पे बचा CH, CH ना, तो ये तो अल्फा था ही अल्फा, और ये अब जब यहां से हटा बताओ क्या बनेगा CH3, यहां तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं क्योंकि पहले से ऑलरेडी हट चुका है Cl। अब फिर आप आइए यहां पे क्या कीजिए O, और फिर एक हाइड्रोजन यहां का हटाइए, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां का हटा करके यही एक क्लोरीन और लगा दीजिए, तो ये CH हो जाएगा और यहां Cl और फिर यहां पे CH3 और प्लस क्या हो गया CH3। एकदम सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल सा आपका, तो ये था अल्फा, तो ये आपका जैसे इसको अल्फा मान रहे हो तो इसको क्या कह दोगे अल्फा डैश, इसको क्या कहोगे अल्फा डैश, तो अब बोलो क्या हो जाएगा अल्फा कामा अल्फा डैश, ये अल्फा फिर कामा अल्फा डैश, दो क्लोरीन है तो फिर क्या नाम हो जाएगा डाई क्लोरो, क्या नाम होगा डाई क्लोरो, अल्फा अल्फा डैश फिर डाई क्लोरो, अब पूरा क्या था पहले ये डाई एथिल ईथर, तो यहां पे आप क्या लिखोगे डाई एथिल ईथर, क्या लिखोगे डाई एथिल ईथर। तो इस तरीके से आपका ये मैंने कौन सा रिएक्शन बता दिया क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, और वो भी किसमें बताया आपको मैंने इन डार्क कंडीशन में, मतलब कि जब सूर्य के प्रकाश की क्या होती है अनुपस्थिति होती है, लेकिन अगर आप यही जहां डार्क लिखियो वहीं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कर दोगे या प्रकाश में, तो अब क्या होगा जानते हो, पहले ही स्टेप में यहां का पूरा पांचों हाइड्रोजन और इसमें का पूरा पांचों हाइड्रोजन सब पूरा क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाता है, और उसको कहते हैं पर डाई क्लोरो, सुनिए पर डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर कहते हैं। तो इस रिएक्शन को लिखिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको आगे बता दें भगवान इंद्र भी आप लोगों के ऊपर प्रसन्न है, एकदम मौसम एकदम बढ़िया सा क्लीन एंड क्लियर हो चुका है। चलिए बी कंडीशन, प्रकाश में इन लाइट, चलिए देखिए मैंने अभी बताया क्या आपको कि अगर हम क्या किया करते हैं डाई एथिल ईथर, क्या है आपका डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया हम किसके साथ किया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके साथ किया करते हैं क्लोरीन के साथ, किसके साथ किया करते हैं क्लोरीन के साथ, तो आपको जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, क्या प्राप्त होता है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो आपको हम यहां बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा,
डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया प्रकाश में इन लाइट में किसके साथ क्लोरीन के साथ करने पर के साथ करने पर डाई एथिल ईथर सॉरी पर क्लोरो दिखाई नहीं करने पर क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। चलिए देखिए इसको अब अलग अलग एल्किल ग्रुप को नहीं लिखेंगे C2H5 और प्लस Cl2। चलिए ये तो आप जानते ही हो ये क्या है आपके दी है लिख दो दी लिख दे रहा हूं लीजिए डाई एथिल ईथर दी। अब उसके बाद आपका क्या हो गया आपका ये क्या हो गया क्लोरीन। चलिए यहां पे क्या होगा सूर्य का प्रकाश इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो चलिए राजू यहां से पांचों हाइड्रोजन हटेगा पांच हाइड्रोजन यहां से तो पांच और पांच कितने हाइड्रोजन हुए 10 और एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए कितनी क्लोरीन लगती है एक तो 10 हाइड्रोजन कितनी क्लोरीन हो जाएगी 10 आप जानते हो अच्छी तरीके से 10 Cl। अब जब 10 होगी तो तभी 10 से Cl भी तो निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन हटेगा ना पूरा यहां से। तो अब बताइए यहां से पांचों हाइड्रोजन हटेगा C2 और पांच क्लोरीन यही ऐड हो जाएगी क्योंकि क्लोरीन हम इसीलिए हटाया गया है Cl5 और फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड O फिर यहां C2 और फिर Cl5। देखिए 5 5 10 और 10 हाइड्रोजन जो निकले हैं 10 HCl 12 हो गया। तो ये जो आपका प्राप्त हुआ इसी का नाम है पर क्लोरो इसी का नाम क्या है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। क्या नाम है इसका पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया अगर हम प्रकाश में क्लोरीन के साथ किया करते हैं तो पर क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और इस तरीके से आपकी क्लोरीन का जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन था वो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगला इसका रिएक्शन है जल से क्रिया रिएक्शन विथ वाटर। तो रिएक्शन विथ वाटर क्या है इसको समझिए अगर हम एथिल एल्कोहल की डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया जल के साथ किया करते हैं डाई एथिल ईथर जो है अगर हम इसका रिएक्शन किसके साथ किया करते हैं जल के साथ अभिक्रिया किया करते हैं तो आपको प्राप्त क्या होता है एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए ये सब जैसे एल्कोहल की प्रॉपर्टी होती थी वो आपकी उसी तरीके से सब प्रॉपर्टियां चल रही हैं। तो ध्यान देंगे यहां पे डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया जल के साथ करने पर एथिल एल्कोहल
एल्कोहल प्राप्त होता है। रिएक्शन लीजिए C2H5O C2H5 और प्लस क्या हो गया H2O। तो ये C2H5 कितने C2H5 हो जाएंगे, दो C2H5 और एक दो हाइड्रोजन और दो O, तो कितना OH बन गया, दो OH2 बन गया। तो ये OH एकदम सरल सा रिएक्शन है और ये आप जानते ही हो इसका नाम अच्छी तरीके से एथिल एल्कोहल। इस और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो इस तरीके से हमने आपको क्या किया, डाई एथिल ईथर की जो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टियां हैं वो हम आपको क्या कर रहे हैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए और एकदम बढ़िया तरीके से खुश रहिए। चलिए देखिए राजू अगला हम रिएक्शन बता रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। ये रिएक्शन आप एल्कोहल में भी पढ़े हो, फिनॉल में भी पढ़े हो और आज हम आपको डाई एथिल ईथर में भी बता रहे हैं। और उस याद करो उस दिन को जब मैंने एल्कोहल और फिनॉल वाला चैप्टर शुरू किया था तो बताया था कि इन तीनों चीज टॉपिक को एक चैप्टर में क्यों इंक्लूड किया गया है। तो उसके पीछे और कोई बड़ा कारण नहीं था, यही कारण था जान लीजिएगा। तो यहाँ पे अगली केमिकल प्रॉपर्टी है भैया फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से क्रिया, या इसी को हम लोग कहते हैं पीसीएल फाइव से क्रिया। क्या कहा करते हैं, पीसीएल फाइव से क्रिया। तो अगर डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से की जाती है, डाई एथिल ईथर रिएक्ट विल बी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू गिव एथिल क्लोराइड एंड फास्फोनिल क्लोराइड। ये आपको हम बता रहे हैं यहां पे इसका रिएक्शन। तो आपको लैंग्वेज क्या लिखना है राजू, लैंग्वेज डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया किसके साथ, पीसीएल फाइव के साथ करने पर, पीसीएल फाइव के साथ करने पर आपको क्या मिलता है बताइए जल्दी से। पीसीएल फाइव के साथ करने पर एथिल क्लोराइड एवं फास्फोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया अगर हम पीसीएल फाइव के साथ करते हैं तो आपको मिलता क्या है, एथिल क्लोराइड एवं फास्फोनिल क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, एथिल क्लोराइड एवं फास्फोनिल क्लोराइड। रिएक्शन लिख रहे हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड O और यहां हो गया C2H5। ये चीज ध्यान दीजिए, ये आपकी दी है डाई एथिल ईथर। अब हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, पीसीएल फाइव फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। अब जब हम डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कर रहे हैं तो आप याद रखिए कि यहां से ये और ये दोनों इकट्ठा हो जाएंगे और ये बन जाएगा 2C2H5Cl। 2C2H5Cl पूरा यहां के साथ गया, इसमें से दो क्लोरीन भी गई है, अब बचा क्या, POCl।
हो गया इक्वेशन। तो ये आपका क्या हो गया एथिल क्लोराइड, क्या है आपका ये एथिल क्लोराइड। तो ये इसके जो एकदम एल्कोहल जैसे क्या थे इक्वेशन थे, वही सारे इक्वेशन हम यहां पे क्या कर रहे हैं बताने का प्रयास कर रहे हैं एज लाइक एल्कोहल, जैसे एल्कोहल का था वैसे ही आपको यहां पे क्या कर रहे हैं इसका रिएक्शन बताने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये जान लीजिएगा। तो इसके बाद जो अगला रिएक्शन आने वाला है वो है ऑक्सीकरण। कौन सा है ऑक्सीकरण, और आपको बता रहे ऑक्सीकरण है फिर परऑक्साइड का निर्माण है फिर अम्लों से अभिक्रिया है और फिर उसके बाद फिर बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो अभी डाई एथिल ईथर की हैं। तो ये आपका कल के लेक्चर्स में क्या हो जाएगा पूरा टॉपिक हो जाएगा, और कल आपका हो सकता है कि एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जो चैप्टर है वो भी आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, जान लीजिए। तो चलिए अभी देखते हैं, अभी जो अगला रिएक्शन है वो आपको हम बता रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख दे नीचे ही आ जाएगा, आ तो जाना चाहिए। चलिए थोड़ा इसको क्लीन किया जाए साफ किया जाए तभी तो बढ़िया सा इस पे लाइट आएगी। अब उसके बाद अगली है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बोले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डाइएथिल ईथर ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट एज लाइक K1O4 ORK2Cr2O7 टू गिव एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू गिव एसिटिक एसिड। अगर हम डाइएथिल ईथर का प्रबल ऑक्सीकारक K1O4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं, क्या बता रहा हूं, अगर हम डाइएथिल ईथर का प्रबल ऑक्सीकारक K1O4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, और एसिटाल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। और ये रिएक्शन मैंने आपको एल्कोहल में भी बताया है कि प्राथमिक एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करते हो तो एस्टेल्डिहाइड प्राप्त होता है, और एस्टेल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण करते हो तो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन मैंने फार्मूला टाइप आपको याद करने के लिए वहां पे भी कहा था कि आप इसको एज लाइक फार्मूला जैसे याद कर लीजिएगा। तो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा, डाई एथिल ईथर का प्रबल ऑक्सीकारक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजाइडिंग एजेंट ऑक्सीकारक K1O4 K2Cr2O7। अभी आप विचार कर लीजिए कि आपको हम तीसरा ही लेसन पढ़ा रहे हैं, सॉल्यूशन पढ़ाए हैं और फिर उसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स और फिर आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा है और पढ़ना आपको 16 चैप्टर है। अब आप विचार कर लीजिए कि कितना आप अभी आपको पढ़ना है कवर करना है और अब भी आप सो रहे हो, जान लीजिए तो जाग जाओ और लगो यहाँ पे पढ़ी। तो यहाँ पे हो गया कि आपका K1O4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर चलिए पहले क्या बनेगा एसिटल ड्रिहाइड प्राप्त होता है, पहले एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा और जो पुनः जो फर्दर जो पुनः ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल ऑक्सीकृत होकर
एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। तो देखिए, चलिए C2H5O और जब ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीजन है भैया, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो 2 × 4 इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल बनेगा, 2CH3CHO और प्लस क्या निकलता है, जल, H2। अब यहां पे 2 ऑक्सीजन और 1 3, तो यहां पे आप कर दीजिए 2। अब आप बैलेंस ही देख लीजिए, कार्बन तो मेरे हिसाब से बराबर है, 2 × 4 बराबर है, हाइड्रोजन देखिए 5 5 10 और 2 3 6 और 6 2 8 8 तो 10 बराबर है। और अगला एस्टरडिहाइड है, नाम लिख लीजिएगा, और फिर CH3CHO, ये तो आप जानते ही हो, ऑक्सीकृत होगा प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या K2Cr2O7, तो ये एच कहेगा आप उधर जाओ, हमको बीच में आने दो, ये हो गया आपका CH3COOH और ये आपका क्या है, एसिटिक अम्ल। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक तरीके से यहां से आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो गया। कि अगर हम क्या किया करते हैं, डाई एथिल ईथर का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एस्टरडिहाइड प्राप्त होता है और एस्टरडिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होकर के क्या हुआ करता है, आपको क्या बना दिया करता है, एसिटिक एसिड का क्या कर देता है, निर्माण कर दिया करता है। और आप लोगों को हम आज जान लीजिए 3 रिएक्शन दे रहे हैं होमवर्क के रूप में और आप इसे घर पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। सभी लोग ईमानदारी से ये काम कीजिए, जो हम इक्वेशन दे रहे हैं तीनों इक्वेशन आप लोग घर पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। कैसे प्राप्त करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करेंगे। नंबर एक है क्यूमीन से फिनॉल, क्या है, क्यूमीन से फिनॉल। नंबर 2 इक्वेशन है फिनॉल से फिनॉक्थिलीन, रिएक्शन लिखना है, क्यूमीन से आपको क्या प्राप्त करना है, फिनॉल, इसका रिएक्शन लिखना है, लैंग्वेज भी रिएक्शन भी, और फिनॉल से आपको क्या प्राप्त करना है, फिनॉक्थिलीन, इसका भी लैंग्वेज लिखना है। और तीसरा रिएक्शन क्लोरो बेंजीन से DDT। तो 3 इक्वेशन मैंने आपको दिया है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यूमीन से आपको क्या बनाना है, फिनॉल, फिनॉल से आपको क्या बनाना है, फिनॉक्थिलीन, रिएक्शन और लैंग्वेज दोनों लिखना है, और क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, DDT। तो ये 3 इक्वेशन आप पढ़ लिए हैं और आप इसको ईमानदारी से लिखने का प्रयास कीजिए और स्वयं को चेक करने का प्रयास कीजिए कि जो हमने पढ़ाया हुआ है आपको कितना तैयार है, और नहीं तैयार है तो आप उसके आगे क्या करना है आप खुद जानते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी क्लास यहीं पे आज क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।